जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारा देश जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाता है तो उन सभी शहीदों, पूर्व सैनिकों और युद्ध वॉरियर्स को याद करता है, और यदि वो आज भी जिंदा है तो उन्हें सम्मानित मंच पर, जहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी का समारोह मनाया जाता है, वहां पे उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी बताऊंगा वो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। स्वतंत्रता दिवस पर देश पर प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को याद किया जाता है, लेकिन इस बीच हम उन सैनिकों को याद करना भूल जाते हैं जो आज कहीं बुढ़ापे में गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, जिनका दिल आज भी स्वतंत्रता दिवस पर जोर से धड़कता है। कुछ ऐसा ही एक मामला जिंद में सामने आया। जिंद है हरियाणा में, जहां आजादी के उत्सव पर ना बुलाए जाने पर पूर्व सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। ये तस्वीर इतनी भावुक है कि किसी का भी दिल पसी जाए। जुलाना में 15 अगस्त को मंडलीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी बुलाया गया था। शहीदों के परिवारों को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन एक पूर्व सैनिक को ना बुलाए जाने पर उसके परिवार का दर्द सामने आया। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कैप्टन धूप सिंह की। कैप्टन धूप सिंह 1971 की लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। पूर्व सैनिक कैप्टन धूप सिंह के बेटे ने बताया कि उनके पिता ने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। धूप सिंह भारतीय सेना में एक सिपाही से भर्ती होकर ऑनरी कैप्टन के पद तक पहुंचे थे। धूप सिंह 7 महीनों से बीमार चल रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उनमें अलग सा ही जोश दिखता है। कैप्टन धूप सिंह इन दिनों अपने मेडल और स्टार को जरूर दिखाते हैं, लेकिन आज भी स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें उम्मीद थी, यानी जो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो उस दिन उन्हें उम्मीद थी कि प्रशासन द्वारा उन्हें आजादी के उत्सव पर न्योता दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन की अनदेखी इस कदर रही कि अभी तक उनसे उनके हाथ मायूसी ही लगी है। कैप्टन धूप सिंह के बेटे का कहना है कि प्रशासन हर साल शहीदों को तो याद करता है, लेकिन पूर्व सैनिकों को ऐसे उत्सवों में न्योता तक नहीं दिया जाता है। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए मुख्य अतिथि पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा का कहना है कि उन्हें ऐसा या ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी अनदेखी हुई है तो ये गलत है, और ऐसे में प्रशासन को पूर्व सैनिकों के घर जाकर उनसे माफी मांगकर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। अब यह हम बात करेंगे दो मुद्दों की। एक सैनिक वो जो बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गया, और एक सैनिक वो जो बहादुरी से लड़ते लड़ते जंग जीत गया हो और आज भी जिंदा हो, तो क्या शहीद और शहीद के परिवार वालों को तो ऐसे उत्सवों पर याद किया जाएगा, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद किया जाएगा, और जो शहीद ना हुआ हो, जो सैनिक खुद जिंदा हो, उसने क्या गलत काम किया कि उस जिंदे सैनिक को ऐसे फंक्शन में, जो कि हमारे देश के गणतंत्र और स्वतंत्रता की बात करते हैं, ऐसे फंक्शन में इतने बड़े वॉरियर्स को जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी है, उनको न्योता तक नहीं दिया जाता है। आप देख पा रहे हो जो कैप्टन धूप सिंह है उनकी आंखों में किस प्रकार आंसू आ रहे हैं। क्या इसी बात के लिए उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी कि उनको बुढ़ापे में जब वो वेटरन हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो देश उनके कर्मों को भूल जाएगा? 1971 की जंग जिताने में कहीं ना कहीं कैप्टन धूप सिंह का अहम रोल रहा होगा, लेकिन उन सब बातों को हमारे जो अभी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भूल जाते हैं। अरे जाओ एक बार जिला सैनिक बोर्ड में, वहां से लिस्ट निकलवाओ कि आपके एरिया में कितने ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं। मैं वॉरियर हीरो, कारगिल वार हीरो, 1965 के युद्ध हीरो या 71 के युद्ध हीरो की बात करते करते साथ में उनके बारे में भी कहूंगा कि जो भूतपूर्व सैनिक है, क्योंकि लड़ाई अकेले से नहीं लड़ी जाती है, संगठन में शक्ति होती है। जब सैनिक और सैनिक मिलकर जब बटालियन बनती है तो बटालियन द्वारा लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन उसमें हर एक पूर्व सैनिक का योगदान होता है जो देश की आज़ादी से लेकर अभी तक सेनाओं को आगे बढ़ाते आ रहा है।
ये एक चैन है, ये एक कड़ी है, एक लिंक है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि आप जिला सैनिक बोर्ड में जाइए और आगे से 26 जनवरी आए या 15 अगस्त आए, यदि इस प्रकार किसी भूतपूर्व सैनिक जो कि एक वार हीरो है उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो ये आप सबके लिए शर्म की बात है। इससे सबक सीख सकते हो, हर एक पूर्व सैनिक, वार हीरो की विधवा, फैमिली पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशनर, उन सब को ऐसे मौक़ों पर ज़रूर याद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका, ये त्यौहार ही उन्हीं के लिए है जो इस देश को आज़ादी तक लाए और आज़ादी तक लाने के बाद में आज तक देश को आज़ाद रखा है। देश के मान और सम्मान में, देश के लिए मर मिटने की बात करते हैं, लेकिन आप लोग एक कैप्टन धूप सिंह को भूल जाते हो जो कि 1971 की लड़ाई का एक हीरो है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस वीडियो को आप फैला दीजिए ताकि हर जगह ये वीडियो पहुँचे और जिन्होंने भी ये गलती की है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। और मैं अंत में कैप्टन धूप सिंह को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, धूप सिंह जी कोई बात नहीं, जो लड़ाई आपने लड़ी है, जो आपने मान सम्मान सेना में पाया है, वो आपके पास आज भी मौजूद है और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इस देश को 1971 की लड़ाई जितवाई। लेकिन अगले बार हो सकता है कि ऐसा ना हो, भगवान आपको सलामत रखे, आपकी उम्र को लंबा करे, आप बीमारी से जल्द ठीक हो और 26 जनवरी को आपके नज़दीक हो रहे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे। ऐसा मेरा जिंद और हरियाणा और जहाँ कहीं भी वो कैप्टन धूप सिंह जी रह रहे हैं उनके प्रशासन को कहना है। बने रहे चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।